राजमाता का किरदार निभाना काफ़ी मुश्किल का काम है, क्योंकि अभी हाल ही में थी वो और उनके बारे में सब लोग जानते हैं, देख चुके हैं, पब्लिक में भी नज़र आए हैं इतने साल में। अभी उनके बारे में उस पूरा कैरेक्टर को लेकर आना इज ए डिफ़िकल्ट जॉब फॉर एन आर्टिस्ट, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, सेवा की है लोगों के लिए ग्वालियर में, एंड बीइंग ए क्वीन उन्होंने क्या क्या किया है वो सब बातें इस फिल्म के द्वारा निकल आएगा। उस समय की कहानी है 1947 जब आज़ादी मिली, उसके बाद कैसे हिंदुस्तान बना, कैसे राजाओं सब इंडिया में आए, इसकी कहानी है। और इस एक फैमिली की कहानी है, उनके साथ क्या हुआ, क्या गुजरी, क्या बीती, उनके विचार क्या था, उनकी सोचधारा क्या थी, ये सब इसकी कहानी है। देखिए चैलेंजिंग रोल इसलिए है कि इट्स अ बायोग्राफी ना, ऑल दिस इयर्स हम जो स्क्रिप्ट राइटर एक कहानी बना देते हैं, एक ऐसे ही एक कैरेक्टर, एक इमेजिनरी कैरेक्टर्स बना देते हैं, उस पर हम लोग लाइक बसंती वसंती सब लोग कर लेते हैं, विच इज़ वेरी इजी बिकॉज वी कैन पुट एनीथिंग व्हाट एवर वी वांट एज एन आर्टिस्ट, हम जो चाहते हैं उसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते, आई हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो व्हाट शी वॉज, हाउ शी वॉज, सो इट इज़ मोर डिफिकल्ट फॉर मी to adopt that what she was, how she looked, how she wore the dresses, ये सब चीज़ों को मुझे अच्छी तरह से सोच समझ कर करना पड़ता है। वसुंधरा जी, विजय राजे से, राजमाता की जितने भी बेटियां हैं उनके परिवार के लोगों से मिलूंगी, उनसे भी समझ लूंगी कि वो किस तरह के कपड़े पहनती थी, किस तरह बातें करती थी, और गो देयर एंड स्टडी एवरीथिंग एंड देन स्टार्ट द शूटिंग। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि ऐसी फिल्में बननी चाहिए। अगर आप देखेंगे हॉलीवुड और बॉलीवुड, हमने इतनी ऐतिहासिक फिल्में नहीं बनाई और हमें बनानी चाहिए, क्योंकि हमारा इतिहास इतना बढ़िया है, इतना वास्ट है कि हमारे जो जनरेशन आने वाले जनरेशन उनके लिए ये तो डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी।